घनघोर माता की कहानी। एक बार राजा ने जौ और चने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा, पता नहीं क्या बात है, ये दूब इतनी कम क्यों होती जा रही है। राजा के जौ चने तो बढ़ते ही जा रहे हैं और मेरी दूब घटती ही जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया और देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कि कुंवारी लड़कियां आईं और दूब तोड़कर ले जाने लगीं। माली उनके पीछे पीछे गया और उनके कपड़े पकड़ लिए और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों ले जा रही हो। लड़कियां बोली, हम 16 दिन गंगौर पूजते हैं, इसीलिए पूजा के लिए दूब ले जा रहे हैं, इसलिए हमारे कपड़े छोड़ दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा होगी तो हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई सब कुछ लाकर देंगे। ऐसा सुनकर उसने कपड़े छोड़ दिए। जब 16 दिन पूरे हुए तब लड़कियों ने लापसी, हलवा और अन्य सामग्री मालिन को लाकर दी। बाहर से मालिन का बेटा आया तो बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालिन बोली, बेटा आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना दे गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे ने रसोई खोलनी चाही तो उससे खुली नहीं, परंतु जब माँ ने आकर चिंटी अंगूठी से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईसर, शिव भगवान गणगौर बैठे हुए थे। ईसर जी बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और गौरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्य धन के भंडार भरे हुए थे। माली, मालिन और उनके बेटे को ईसर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिया उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईसर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग देना। गणगौर की कहानी कहता, सुनता और सारे परिवार को देना। गणगौर माता की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे बहुत प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा, देवी देखो उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, उस स्थान पर अवश्य ही जल मौजूद होगा, चलो वहीं चलकर देखते हैं। पार्वती जी भी पीछे पीछे चल दी। उस जगह पर एक नदी बह रही थी। पार्वती जी ने पानी की अंजलि भरी तो उनके हाथ में दूब का एक गुच्छा आ गया। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए और तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नाम का फल उनके हाथ में आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव शंभु ने उन्हें बताया कि आज चैत्र शुक्ल तीज है। विवाहित महिलाएं आज के दिन अपने सुहाग के लिए गौरी उत्सव करती हैं। गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल और अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे थे। इस पर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का एक नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां वहीं आकर गणगौर का व्रत करें और मैं खुद उनके सुहाग की रक्षा का आशीष उन्हें दूं। भगवान शंकर ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में ही बहुत सी स्त्रियों का वहां एक दल आया। पार्वती माता ने उन्हें वहां पर अटल सुहाग और भाग का आशीष दिया। कुछ समय पश्चात फिर से कुछ स्त्रियों का एक दल वहां पर आ गया तो पार्वती जी को चिंता हुई। वो महादेव से कहने लगी, प्रभु मैं तो पहले ही उन्हें वरदान दे चुकी हूँ, अब आप अपनी ओर से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती जी के कहने पर भगवान शिव ने उन सभी स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जैसे उन स्त्रियों की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही भगवान शिव और माता गौरा
इस कथा को पढ़ने और सुनने वाली कन्याओं और महिलाओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।